टीम उनके द्वारा ही बनाई गई है। इस बार ऑफसाइड से थोड़ा बाहर अंपायर का ऐसा व्हाइट, लोकल बॉयज से एक तरफ जेडी नाइम की बात करें, कुछ लोकल बॉयज जरूर है इस टीम में। और कप्पी है पहला विकेट। दर्शकों में उत्साह है, यहाँ पे जेडी नाइन को लगने वाला है पहला छटका, और वही पॉल बी को मिलने वाली पहली सफलता। बढ़िया गेंदबाजी, युवा गेंदबाज, पवन होम ग्राउंड है उनका, काफी दूर से प्रतिभाग करने आए इस टीम में विक्रम बोरा, अरविंद काफी सीनियर प्लेयर, और एक तरफ बात करें युवा जोश लोकल बॉयस पवन गौरव रावत अरविंद टमटा गुड्डू राणा के द्वारा उनको एक नाम दिया गया कुमाऊं का सचिन, उसके बाद क्वैक वाली आवाज निकालते हैं। फिलहाल ले चलते हैं आपको मैच की ओर, नए बल्लेबाज के तौर पे आए इस टीम के सबसे सीनियर बल्लेबाज अरविंद टमटा। बढ़िया बल्लेबाज, आमतौर पे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वही बेहतरीन गेंदबाजी से युवा गेंदबाज के द्वारा, एक बड़ा मुकाबला, और देखना होगा कौन सी टीम इस बड़े मुकाबले में अपनी जीत सुनिश्चित करेगी और इसके बाद वीआईपी बॉयज के साथ अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। पहला विकेट लोकेश तिवारी को सामी बल्लेबाज के तौर पर भेजा था, कमल ढसीला कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं इस टीम के आज। बढ़िया गैर इस बार ऑप्शन से थोड़ा बाहर जाने दिया उसे विकेट के पीछे, विकेट के पीछे है राहुल कनवाल। राहुल कनवाल की बात करें बेहतरीन प्लेयर टीम में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों तरीके से बल्लेबाजी कर लेते हैं, का अनोखा। हर दस रन में एक इनाम, भी इनामी घोषणा, और एक मौका गवाया यहाँ पे। जैसे इनामी घोषणा रखी थी अरविंद ने मौका दिया था, मैं आपको बता दूं अरविंद टमटा के लिए इनामी घोषणा विक्की भाई की तरफ से, हर 10 रन में 100 रुपए का पुरस्कार। जैसे 10 रन बनाएंगे 100 रुपए, 20 रन बनाएंगे 200 रुपए, 30 रन में 300, ऐसे हर 10 रन पे 100 रुपए बढ़ते रहेंगे। इनामी घोषणा राहुल कनवाल के पास मौका था, ना खुश होंगे अपने आप से। चावल मार दिया चंदा ने, चंदा के चावल की बात होती हुई इस बार फिर से बाहर, नो बॉल, थोड़ा बाहर करा रहे पवन एक अलग रणनीति के साथ आज गेंदबाजी करते हुए। युवा गेंदबाज है पवन, इस ग्राउंड में ही पले बड़े हैं, आसान हुआ इस ग्राउंड का इस गेंदबाज को। फिलहाल फ्री हिट और बढ़िया शॉट, हाथ खोलने का मौका था उसे भुनाया और मैक्सिमम खराब गेंद के साथ इस ओवर की पहला छक्का। विक्की आए हैं पहली बार प्रतिभाग करेंगे इस टीम के लिए, और काफी दूर से उन्हें बुलाया गया है अंडोला नायक के टीम कप्तान, माफ कीजिए पहल ब्रिगेड टीम कप्तान अरविंद कनवाल अंडोला की तरफ से। छक्के के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की, और वही बढ़िया शॉट कवर के ऊपर से, हर 10 रन पे 100 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए विक्की के द्वारा, हर 10 रन पे 100 रुपए बढ़ते रहेंगे इस खिलाड़ी के। खराब गेंद था, ना खुश होंगे अपने आप से, खराब गेंदबाज विक्की के द्वारा। हसरंगा अगर इस मैच में शतक लगाते हैं तो उन्हें ललित कनवाल की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कमल डसीला उर्फ हसरंगा, क्या बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम में कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं आज। बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल लेते हुए गेंद, अरे बोला लैडर की बॉल से खेल रहा है, सीधे मिला के खेलेगा जो विक्रम बोरा में काफी उम्मीद है। विक्रम बोरा की बात करें हल्द्वानी से आए हैं स्पेशली इस टूर्नामेंट के लिए, बेहतरीन प्लेयर है विक्रम, मौका बनाया है, अरे सकेज बड़ा विकेट दिलाते हैं टीम को विक्की विक्रम बोरा। यहां धड़कने बढ़ती हुई कमल डसीला की, भगत कनवाल की, सूरज कनवाल, भगत कनवाल मेंटर इस टीम के, काफी विदेशी प्लेयर बुलाए हैं भगत ने, आज खुद बाहर बैठे हैं और काफी विदेशी प्लेयर प्रतिभाग करते हैं इस टीम में। पहल माफ कीजिएगा जेडी नाइन की तरफ से नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं अज्जू,
अज्जू अजय ऑलराउंडर के तौर पे इस टीम में कुछ खास नहीं कर पाए विक्रम विक्रम बोरा निश्चित तौर पे कमल रसीला से आके आएंगे दत्ता सॉरी फेवरेट डायलॉग है उनका विक्रम बोरा नाखुश अपने आप से के साथ बढ़िया कैच इस बार राहुल कनवाल के बाद कोई भी गलती नहीं की गई अगर वो कैच पकड़ा होगा अरविंद टम्टा का तीन विकेट हो जाते अभी फिलहाल एक बार फिर से बहुत अलग ही जोश नजर आता है अरविंद कनवाल के अंदर से काफी बढ़िया अच्छे तरह रक्षण बैकअप की मांग करी उन्होंने जरूर क्वार्टर फाइनल मैच जो मैच जीतेगी कल अभी इसके बाद तुरंत वीआईपी बॉस की तरफ से के साथ उनका सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा बुलडॉग गेंद था हल्के हाथों से खेला कुछ समझ नहीं पाए निश्चित तौर पे मौका था जरूर अज्जू के पास एक बड़ा शॉट खेलने का टीम का स्कोर है 19 रन दो बड़े विकेटों के नुकसान के बाद एक जुआ खेला था आज लोकेश तिवारी को सलामी बल्लेबाज के तौर पे भेजा था कमल रसीला ने मैच से पहले बताया था कि बढ़िया उनको हम हिटिंग के लिए भेज रहे पर फ्री हिट में भी बल्ला नहीं चलाया उन्होंने और कमल रसीला का कहना है कि आगे चलाएगा और शतक पे इनाम है उनके अगर शतक लगाते हैं 1100 रुपए नगद पुरस्कार तुरंत शतक लगाने के बाद ही उन्हें फोन पे कर दिया जाएगा दोनों मैचों में उनके लिए इनाम है दोनों मैचों में शतक लगाते हैं 1100 रुपए बढ़िया गया दोस्तों थोड़ा बाहर है प्रकाश राव व्हाइट पवन की बात करें बढ़िया गेंदबाज है होम ग्राउंड है उनका इसी मैदान पे काफी क्रिकेट खेलते हैं अच्छा प्रदर्शन करना होगा निश्चित तौर पर युवाओं को एक तरफ युवाओं की टीम बढ़िया गेंद इस बार अंदर आता हुआ गेंद और अभी भी हमारी नजर पड़ी है गली पे क्षेत्र रक्षा करते हुए अक्षर पटेल अक्षर पटेल और किंग के नाम से आ जाते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी लेफ्ट हैंड गेंदबाज अक्षर पटेल मौका जरूर था यहाँ पे काफी दूर और राजेंद्र राणा काफी लुप्त उठाते हुए इस मैच का काफी खुश नजर आते हुए इन बच्चों के प्रदर्शन से अरे शॉट है यार टैलेंटर मार दे एक मौका जरूर था गवा थोड़ा दूर टप चांस हाफ चांस राहुल के लिए अब आपको आके का आके देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर शतक वीर बैक टू बैक दो शतक लगा चुके हैं टूर्नामेंट में आप बाहर हो चुके हैं राजेंद्र राणा बढ़िया शॉट इन्हीं छह के साथ 100 रुपए भी कमा लिए हैं अरविंद टम्टा ने 10 के ऊपर जा पहुंचे हैं 100 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दुखी के द्वारा दिया जाएगा नुकसान के बाद जे भी नहीं सचिन स्ट्राइक में सचिन ने उठा के मार दिया छक्का और शायद से 20 रन भी पूरे हो चुके हैं सचिन के 100 रुपए का नगद पुरस्कार अभी इसी साथ 50 रन पूरे होते हुए भगत काफी निराश है आज काफी टेंशन में दिख रहे हैं भगत नक्सल लंबे छलों के लिए नहीं आते अज्जू और सम्मान दिया यहां पर गेंद को और अभी भी अज्जू के बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं आई है क्या इस ओवर में वो टारगेट करेंगे मैक्सवेल को मैक्सवेल जो कि सदी हुई गेंदबाजी कराते हुए काफी अनुभव है मैक्सवेल को अगली गेंद अज्जू उठा के मार दिया और अज्जू ने भी निराश कर दिया यहां पर भगत को भगत यहां पर काफी टेंशन में लिखते हैं भगत जी को छू गए हैं मैं अभी है अपने पहले ओवर में दो सफलता प्राप्त कर चुके हैं अभी भी ओवर खत्म नहीं हुआ इनका बैट्समैन नेम नीरज नए बल्लेबाज के तौर पे धन्यवाद ललित
लाइट ओवर के बाद आपको रन बताने के बताएंगे आपको ललित तनवाल जी हमारे। दोनों में कप्तानी एकदम छिड़ी रहती है कि मैं बताऊंगा कौन कहां फील्डिंग में लगेगा करके। और मैक्सवेल किसी से पता चला है पांच विकेट। छोटे बच्चे काफी उत्साहित है, भगत जी ने आज मैच रखा था इनसे अपना, लेकिन पासा उल्टा पड़ता हुआ यहाँ पे पांच विकेट गिरवा दिए। अब आ गया हसरंगा दिया। आमतौर पर ये कोलंबो क्लब के लिए खेलते हैं, आज भारत बुलाया गया इनको। काफी धुनाधार बल्लेबाजी करते हैं हसरंगा। और टेंशन नजर आती हुई कमल दसीला के चेहरे पे भी, टीम कप्तान है आज, काफी बाहर से प्लेयर बुलाए गए थे उनके द्वारा। एक योजना अगर फील्डर रखेंगे तो चांस बन सकता है। मैक्सवेल क्या हैट्रिक पूरी करेंगे, घातक गेंदबाजी कराते हुए मैक्सवेल। कमल दसीला लंबे विकेट के लिए जाने जाते हैं। कमल दसीला शायद विकेट मिल जाता है तीसरा भी, तो रिवर्स स्विंग देखने को मिल रही है मैक्सवेल द्वारा। अच्छा डिफेंस यहां पे पैरों से कमल दसीला की तरफ से, क्या सॉलिड डिफेंस। अगर लग बिफोर का नियम होता है इस टूर्नामेंट में, निश्चित तौर पे आउट करा दिए जाते। स्कोर हम आपको बता रहे हैं, पांच ओवर के साथ के बाद टीम का स्कोर है 51 रन, जबकि 5 विकेट गवा चुकी है। जो कोचिंग में कराते हैं हल्द्वानी में, 2000 रुपए मैच फीस में आए हैं, लेकिन 2 रन नहीं बना पाए। वही लोकेश तिवारी की बात करें तो लोकेश तिवारी तो 700 रुपए में मैच फीस में आए हैं। अरविंद कुछ कह रहे हैं, अरविंद मेयर की लोकेश के बारे में थोड़ी देर में आपको अपडेट करेंगे। लंबा शॉट खेलने को यहां पर, अगर कमल दसीला शतक मारते हैं तो ललित कनवाल की तरफ से 1100 रुपए का इनाम। कमल दसीला अगर 150 रन मारते हैं तो विनोद प्रधान जी की तरफ से 2000 रुपए का इनाम। और रनआउट का चांस था लेकिन फील्डर काफी धीमे आए। कप्तान यार, और ललित कनवाल धीरे धीरे भगत के बगल में जाने के लिए आप तो ये नहीं ऐसे पकड़ो, फिर भी यही मैं कमल बोलूं। और वाइट गेंद, कमल दसीला जो कि सिक्सर किंग, इतने लंबे छक्के मारते कि से बॉल खो जाती है। पिछली बार भी उन्होंने काफी लंबे छक्के दिखाई देते, आज दिखाएंगे उसी प्रकार के छक्के आज भी। ये देखिए फिर से पैर से डिफेंस करते हुए कमल दसीला, काफी तेजी से रन लिया यहाँ पे कमल दसीला ने। लंबी गेंद बच गए यहां पर बल्लेबाज जग्गू। बसोली से भी हल्द्वानी, बसोली, लंगड़ा, हर क्षेत्र से यहाँ पे खिलाड़ी आए। कमल जो कि दिल्ली से बुलाए गए हैं, गंगोली से भी। अच्छी शॉट जग्गू के द्वारा। कमल दसीला आज बहुत धुआं खेल रहे हैं, पैरों से डिफेंस कर रहे हैं आज, बल्ले में गेंद आ नहीं रही है उनके। क्या कमल लंबे हिट दिखा पाएंगे? अब आएगी बोल। वहीं अरविंद काफी निराश एक कोने में बैठे हुए। ये देखिए कितनी बेहतरीन शॉट मारी कमल ने, माना जाता तो ऑफ में गई लेग में गेंद। ओवर की समाप्ति, फिर आ गए गेंदबाजी में मैक्सवेल, बहुत बड़ा नाम मैक्सवेल। अच्छा मैक्सवेल की तरह ही है, हेलो। और इसके बाद जो मैच है, हेमू कनवाल उतरेंगे मैदान में, बहुत बड़ा नाम शतकवीर, सियाली धार के शतकवीर हेमू कनवाल। और फुल टॉस के हसरंगा का छक्का, पहला बल्ले से निकलने वाला हसरंगा का लंबा गगन चुंबी छक्का। एक छक्का तो मारे दिया हसरंगा ने, एक और मारेंगे।
एक आउट छक्का चार रन दो गेंद दो छक्के कमल गगन चुंबी कमल डसिला से उन्होंने छह गेंदों में छह छक्के लगाते हैं तो उनको 500 विकेट का इनाम दिया जाएगा अरविंद मेर के द्वारा। क्या लगाएंगे हैट्रिक छक्कों की यहां पर काबिलियत है उनके अंदर छक्का तीन मार दिया यहां पर अरविंद काफी खुश भगत के चेहरे में मुस्कान आ गई हल्की सी अभी तक जो चेहरा लटका हुआ था थोड़ा सा मुस्कान आ गई चेहरे में। मैक्सवेल महंगे साबित होते हुए इस ओवर में क्या 14 छक्का लगेगा और अच्छी बल्लेबाजी तो अरविंद मेयर के 501 रुपए बच गए यहां पे। अगर जगदीश छह गेंदों में छह छक्के लगाते हैं तो राजू की तरफ से 501 रुपए का इनाम। बेहतरीन शॉट लेकिन बल्ले से कनेक्ट नहीं हो पाई देते हुए बाहर से अपने बल्लेबाजों को विक्रम बोरा आवाज सुन रहे तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और लंबा है साइलेंट हो जाएगी गेंद इतना दूर मार दिया है लेकिन गेंद वापस आ गई मैदान की ओर छक्का चार छक्के लग गए इस ओवर में। अभी तक जो मैच इनके पक्ष में देख रहा था अगर कमल डसिला जो कि हसरंगा के नाम से मशहूर है हंसते हंसते लंबे छक्के मारते हैं और अच्छी गेंदबाजी यहां पे छोटे कद के खिलाड़ी है गौरव लेकिन जग्गू का लंबा है छक्का चौका चार रन के लिए शानदार बल्लेबाजी जगत के द्वारा। और ये तो आंख बंद करके घुमाया था बल्ले में आए और छोटी गेंद कट कर दिया यहां पर फील्डर जब तक फील्ड करते आसान कोच है वो एकेडमी चलाते हैं वहां पर उनके साथ में बैठे हैं सचिन कुमार के सचिन अरविंद फिर से वापसी हुई गेंदबाजी में और दीपक की अगली गेंद लंबी गेंद और बढ़िया शॉट जग्गू ने मन बना लिया कि हर बॉल में हिट करना है 11 छक्के लगते हैं देखना बाकी है। गौरव जोशी काफी खुश है मैच देखने आ रखे हैं जेल रोड से यहां पहुंच रखे हैं और फिर से क्या उछला है क्या पकड़ेंगे जी हाँ सर पकड़ लिया है ऐसे लंगड़ा के खिलाड़ी है बालम हाथ खड़ा कर दो अगर आप लंगड़ा से है तो धन्यवाद बालम हसरंगा के पैर में खिंचाव आ चुका है तो ये गेंदबाज कम हो जाएगा हसरंगा बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं करेंगे तो बहुत घातक गेंदबाज है विक्रम बोरा वहीं 140 प्लस फेंकते तो लोकेश तिवारी 145 प्लस वाले बॉलर है दोनों ने आज निराश किया अपने बल्लेबाजी से वहीं फिर से चेहरा उतर चुका है यहां पर भगत जी का क्योंकि छठा विकेट गिरा यहां पे भगत जी फिर से टेंशन में आ चुके हैं और फुल टॉस गेम लेकिन आउट सात और बैठ का लग गया क्या भगत जी आएंगे बल्लेबाजी में सबसे बड़ा सवाल आज चार विकेट ले चुका है मैक्सवेल माफ कीजिए 5 विकेट ले तो इस गेंद को आप मैक्सवेल को गिफ्ट करना पड़ेगा कमेटी को क्योंकि उन्होंने इस गेंद से 5 विकेट लिए हैं। बता दें कि ज्यादा जोर मत लगाना कुछ विकेट हो सकती है बैट्समैन नेम धीरज आए हैं नए बल्लेबाज भाई गौरव जी बोर हो चुके मैच देख के क्योंकि विकेट गिरने रन नहीं बन रहे ओ अगली गेंद और ये छठा विकेट हो सकता था लेकिन कैच छूट गया यहां पर अब आगे बल्लेबाजी ने हसरंगा
काफी खतरनाक बल्लेबाज। अरविंद आज बहुत ही कैच छोड़ रहे हैं, कप्तान भी है टीम के, कप्तान को तो फाइन कराना चाहिए हमेशा, लेकिन उन्हें कैच छोड़ के मौका दे रहे हैं बार बार। क्या कमल छक्का लगाएंगे? नहीं, सिंगल ले लिया यहां पर, अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं शायद से। एक गेंद अभी और शेष है स्कोर की, क्या मार पाएंगे धीरज? आउट और बोल्ड हो गए, बोल्ड होते हुए कमल एक साइड खड़े रह गए, खत्म। मैक्सवेल जी ने 6 विकेट लिए इस मैच में, जोर बात ताली बजा दीजिए दर्शक मैक्सवेल के लिए, बिना जोर लगाए 6 विकेट लिया है, अगर जोर लगाते तो शायद 7.5 विकेट भी होता आज। मैक्सवेल की शानदार गेंदबाजी के लिए हमने प्रदीप, माफ कीजिएगा प्रदीप है बल्लेबाजी में, और लोकेश को देखिए कितना, पहली गेंद अच्छी गेंद अंदर गौते हुए। विक्रम बोरा काफी अच्छे गेंदबाज है लेकिन इंजर्ड चल रहे हैं काफी टाइम से। गौरव जोशी मैच का लुत्फ उठाते हैं यहां पर, हसरंगा बहुत चला रहे हैं आज अरविंद के गेंदबाजी में भी काफी दमदार होगा। बोल्ड, बढ़िया बॉल बोल्ड कर दिया यहां पे बालम ने, और भगत जी के चेहरे में मुस्कान आ गई है जैसे विकेट गिरा, देखिए सीना चौड़ा हो गया इनका, अभी तक काफी परेशान दिख रहे थे। तीसरी गेंद डालते हुए बालम सिंह, चार रन, बच गया 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 बच गया बच गया। नौ प्लेयरों का मैच चल रहा है, पटकी हुई गेंद सम्मान दे रहे हैं, इतने अच्छे गेंदबाज नहीं है कि आप उनको सम्मान दो, क्योंकि विक्रम बोरा हमेशा जब भी गेंदबाजी कराते हैं तो बहुत रन लुटाते हैं, और यही ओवर है जिसमें रन बन सकता है। बेहतरीन शॉट, मैंने पहले कहा था विक्रम बोरा हर जगह पिट रहे हैं, और आज छोटे बच्चे जो कि 15 साल के बच्चे भी इनको सामने छक्का मार रहे हैं, और प्रधान जी की बारीक नजर मैच में। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए लंबा छक्का लगाया था यहाँ पे, तो अच्छी गेंद का सम्मान दे रहे हैं और लंबे छक्के भी मार रहे हैं बीच में, और छोटी गेंद फायदा नहीं उठा पाए। विक्रम बोरा की गति बहुत कम होगी, जहां वो 120 फेंकने थे पहले, अब 105 102 फेंकने लग गए हैं। बढ़िया शॉट, वहां फील्डर मौजूद अरविंद बड़ा, सचिन तेंदुलकर, सचिन से मिसफील्ड हुई लेकिन दो रन नहीं भागे यहां पर बल्लेबाज, तो ऐसे ही खेलना होगा। राहुल कमल लेफ्ट हैंड के बैट्समैन है, और ये फील्ड की जो भौगोलिक स्थिति है लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज के लिए बहुत ही बढ़िया है, केवल गाइड करना है गेंद को और आसानी से रन बन जाएंगे उनके। लेकिन बालम काफी अनुभवी गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।
अच्छा बल्ला घुमाया था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वही भूतपूर्व खिलाड़ी राजू मैच का लुत्फ उठाते हुए कुछ समझा रहे हैं ऊपर से। राजू जो कि यहाँ पे 40 साल इस फील्ड में मिल जा रहे हैं, बढ़िया शॉट, 6 रन प्राप्त कर लिया यहां पर राहुल ने। जैसा मैंने बताया था कि लेग साइड की बाउंड्री बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए काफी छोटी है, उसका फायदा उठाते हुए राहुल बढ़ता है स्कोर। फिर से मारा जा रहे थे छोटी गेंद और एक नजर आ सकता है लेकिन गेंद काफी दूर, 2 रन होना चाहते हैं यहां पर, लेकिन मना किया अरविंद ने। परम एक विकेट के नुकसान पे राजू वहां विचार विमर्श करते हुए और काफी सपोर्ट कर रहे हैं फील्डिंग टीम का। राजू टारगेट करना होगा बल्लेबाजों को और इतने हल्की गेंद आ रही है विक्रम बोरा की। चंदन लटवाल से भी कम गति में गेंदबाजी कराते हुए विक्रम बोरा और यॉर्कर गेंद, अच्छी गेंद विक्रम बोराज बच्चों के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं जबकि इससे पहले इनको काफी मार पड़ी थी सोमेश्वर में। तो राहुल कनवर को लंबे हिट दिखाना होंगे यहां पर क्योंकि स्कोर बढ़ाना है। तो ये बढ़िया शॉट और फ्री हिट, जी हां विक्रम बोरा की एक और आदत में आपको बताना भूल गया, ये हर ओवर में नो बॉल जरूर कराते हैं। बाल इतने बड़े हो चुके हैं उनको कटवा लेना चाहिए, बार बार गेंदबाजी करते चेहरे में आ जा रहे बाल, लेकिन ये अजय देवगन के बहुत बड़े फैन है। अजय देवगन के विक्रम बोरा फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज देखते हैं। अच्छी वापसी यहां पर विक्रम बोरा की, अब बालों को फिर से सवारेंगे अपने विक्रम बोरा। गेंदबाजी में अभी गति दिखाई उन्होंने, काफी सारे बाद विक्रम बोरा गति दिखाते हुए और ये फूल लगाते हैं गेंद पर, फूल लगाते हुए आउट। अगर कमल डसिला आज से 5 साल पहले के कमल डसिला थे तो ये कैच पकड़ लेते, लेकिन अब ये हसरन में बन चुके हैं, शरीर इतना भारी हो चुका है कि भी नहीं पाते, वरना ये कैच उनके लिए बाएं हाथ के बात होती है। अभी देखिए गेम बदल चुके हैं लेकिन झुक नहीं पाए और थक चुके हैं, देखिए कमर में हाथ है। तो अभी तक इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई है, अच्छी गेंदबाजी व्हाइट का सारा अंपायर का काफी अतिरिक्त खर्च कर चुके हैं पर विक्रम बोरा। विक्रम बोरा साथ ही अज्जुगे लोनी से जो कि गेंदबाजी भी कराते हैं और कटर मारते हैं वहां पर विक्रम बोरा, विराट से गेंदबाजी हो रही है यहां पर। वही अरविंद पंता जो कि बुमराह के नाम से मशहूर है बॉलिंग में और बैटिंग में सचिन के नाम से मशहूर, तो अरविंद बुमराह आएंगे क्या गेंदबाजी में? आपको थोड़ी देर में भारत का स्कोर बताया जाएगा टेस्ट मैच का और भारत और इंग्लैंड के बीच मैच चलता हुआ। ये देखिए फिर से फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाया, दूसरा ओवर लेना चाहते हैं लेकिन लोकेश चीते की तरह गेंद पे झपट पड़े।